हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम पर मोल इज आइसोटोनिक विद अ 5% सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज। बच्चों, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा बच्चों, वो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? इट इज द मिनिमम प्रेशर विच इज अप्लाइड टू अ सोल्यूशन टू स्टॉप इट्स फ्लो थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि किसी भी सोल्यूशन में जब हम कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे उसका फ्लो रुक जाए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अब बच्चों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, विच इज पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ये हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, जहां पर दिस पाई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद बच्चों, हमारे पास आर जो है ये गैस कांस्टेंट है, ये जो हमारे पास टी है बच्चों, डिस टेम्परेचर। और बच्चों, यहाँ पे जो हमारे पास सी है, सी इज कंसेंट्रेशन। बच्चों, कंसेंट्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब बच्चों, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों ही सॉल्यूशन आपस में आइसोटोनिक है। बच्चों, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए यूरिया जो सोल्यूशन है इसको हम नंबर वन कंसीडर कर लेते हैं, और जो हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का सोल्यूशन है बच्चों, इसको हम टू कंसीडर कर लेते हैं। अब हमें क्या मैंने कि जो सोल्यूशन वन और सोल्यूशन टू है, ये दोनों ही आपस में आइसोटोनिक है। तो जब कोई भी दो सोल्यूशन बच्चों आपस में आइसोटोनिक होते हैं, तो उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो इक्वल होता है। दैट इज, जो हमारा पाई वन होगा वो इक्वल होगा पाई टू के। अब बच्चों, पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट जब हम करेंगे तो इट विल बी सी वन इंटू आर टी इज इक्वल टू सी टू इंटू आर टी। अब बच्चों, हमने यहाँ पे सी को तो सी वन सी टू लिखा है, बट आर और टी को हमने आर वन आर टी वन आर टू टी टू क्यों लिखा है? क्योंकि आर तो बच्चों यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, वो सबके लिए सेम होता है, और टेम्परेचर हमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम टेम्परेचर को दोनों ही सोल्यूशन के लिए कॉन्स्टेंट मानेंगे, तो हमारा टेम्परेचर भी दोनों सोल्यूशन का सेम होगा। यहाँ से बच्चों आर और टी वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिला, दैट सी वन इज इक्वल टू सी टू। अब सी वन और सी टू क्या बच्चे, ये दोनों ही सोल्यूशन के कंसेंट्रेशन है। अब इसकी वैल्यूज को जो हम रिप्लेस करेंगे बच्चों, तो सी वन की वैल्यू यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड सोल्यूशन। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है, और बच्चों नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अगर एम की वैल्यू यहाँ पे लिखे तो वो होता है गिवन मास जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, अपॉन मोलर मास जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, एम डब्ल्यू से। अब बच्चों, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अ सोल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ यूरिया। यानी कि बच्चों, जो 10 ग्राम जो 10 ग्राम सोल्यूशन जो हमारा सोल्यूट है वो 10 ग्राम है, और वो डिजॉल्व है 1 डेसीमीटर क्यूब में। बच्चों, हमें यहाँ पे एक बात जाननी होगी, दैट 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये बच्चों यूनिट हमें याद रखनी होगी, कन्वर्जन हमको याद रखना होगा। तो दैट इज, हम डेसीमीटर क्यूब को 1 लीटर से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो फॉर यूरिया जो, अब बच्चों यहाँ पहले हम एन वन को रिप्लेस जब करेंगे तो इट विल बी डब्ल्यू वन अपॉन एम वन इंटू वी वन, और ये हो जाएगा डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू वी टू। अब बच्चों, जो वैल्यूज को हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें यूरिया का जो गिवन वेट है वो 10 ग्राम है, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट हमको 60 गिवन है, और वॉल्यूम, अब बच्चों हमने अभी डिस्कस किया यहाँ पे कि ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है, और 1 डेसीमीटर क्यूब पे 1 लीटर होता है, तो इट विल बी इक्वल टू 1 लीटर। अब बच्चों, सेकेंड हमें जो सेकेंड सोल्यूट है उसके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, वो गिवन है कि इट इज़ अ 5% सोल्यूशन। तो बच्चों, जब 5% सोल्यूशन की हम बात करते हैं, तो इसका ये मतलब होता है डेट 5 ग्राम सोल्यूट
इज डिजॉल्व्ड इन इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। ये हम यहाँ पे इंटरप्रेट करते हैं वैल्यू को बच्चों। तो अब जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमने देखा कि हमें जो W2 की वैल्यू आएगी वो 5 आएगी अपॉन। अब बच्चों M2 हमको फाइंड आउट करना है क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमको बताना है, तो यहाँ पे हम M2 लिख देते हैं। और V2 क्या होगा बच्चों? V2 हमने देखा कि यहाँ पे वो 100 ml होगा। अब 100 ml बच्चों यहाँ पे जो हमको वॉल्यूम रखना होता है वो हमको लीटर में रखना होता है। तो जब 100 को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 1000। अब बच्चों इस पूरे इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो M2 की वैल्यू यहाँ से आएगी वो निकल के आएगी 300 ग्राम, 300 ग्राम। अब बच्चों सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे जो ये 10 और 60 का जीरो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे ये 100 है, 100 टेन जै 1000, और ये 10, जब ये 10 बच्चों डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये 50 बन जाएगा, और 6 जब उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बी इक्वल टू 300। तो M2 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 300 आ गई। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, 300 ग्राम पर मोल। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।